नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में बन सकते हैं F-16 और F-18 लड़ाकू विमान। अमेरिका के रक्षा मंत्री एश कार्टर अप्रैल में करेंगे भारत का दौरा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर करेंगे प्रस्ताव पर बातचीत। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच करार, पाक को अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान सहित जेट हेलीकॉप्टर और थर्मल वेपन साइट बेचेगा। अमेरिका के इस फैसले का भारत ने किया विरोध। भारत और चीन के संबंधों पर बोले विदेश सचिव एस जयशंकर, मसूद मुद्दे पर नहीं आएगी भारत चीन के रिश्तों में दरार। यूएन में भारत द्वारा मसूद पर प्रतिबंध लगाने का चीन ने किया था विरोध। एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा है, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने ब्रिटेन में की थी आतंकियों की भर्ती। इस्लामी विद्वानों के बुलावे पर 1993 में ब्रिटेन का किया था दौरा। लादेन के लिए कराई थी 400 लड़ाकों की भर्ती। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र ने पीएम मोदी के बयान पर किया अपना बचाव। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का दिया आश्वासन। पीएम मोदी ने आतंकवाद से निपटने में नाकाम वैश्विक संस्था के अप्रासंगिक हो जाने का बताया था खतरा। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुलासा, विश्व में मौत की सजा देने में 50% की हुई वृद्धि। पाकिस्तान शीर्ष 3 देशों में शामिल। पेशावर हमले के बाद पाक ने 326 लोगों को फांसी पर लटकाया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।